हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के लेडीज़ सॉक्स और देखिए इसको मैंने थम वाला बनाया है और दो कलर से बनाया है अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप इन जालियों के हिसाब से बड़ा या छोटा दोनों कर सकते हैं ये देखिए अगर आपको छोटा चाहिए तो यहाँ पे एक जाली कम कर दीजिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे तो इस तरह से ये यहाँ पे एक एक फंदा कम हो जाएगा आपका अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक जाली बढ़ा दीजिए तो ये दोनों तरह के आपके बन जाएंगे और आप चाहें अगर आप जाली नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो बढ़ा सकते हैं दो रो और बना दीजिए तो अब भी बड़ी हो जाएगी जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप बना सकते हैं तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने फिफ्टी फोर फंदे ले लिए हैं चौवन फंदे आप देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो हम उल्टा बुनेंगे ऐसे इस तरह से दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है ऐसे बनाते हुए जाएंगे उधर से भी हम ऐसे ही बुनेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह की रो बना के हम कंप्लीट करेंगे आप अपने हिसाब से इस बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो हम इसको बना लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया एक दो तीन चार पाँच पाँच रो मैंने सीधे तरफ से बनाई हैं और चार रो उल्टे तरफ से ये नौ रो का बॉर्डर मैंने कम्प्लीट किया आप चाहें तो यहाँ पर रो बढ़ा सकते हैं अब हम इसे पलट लेंगे अब देखिए उल्टे तरफ से हम इसमें कलर ऐड करेंगे ये देखिए अब पूरी रो हम येलो कलर से ही बुन लेंगे ऐसे तो हम ये कंप्लीट करते हैं ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली और देखिए यहां पे हमारे पास चौवन फंदे हैं फिफ्टी फोर फंदे तो अब हम इनको तीन जगह डिवाइड करेंगे तो देखिए बाईस फंदे हम इधर रख रहे हैं बाईस इधर दस फंदे में हम जाली डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक फंदा उतारेंगे भूल को अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये देखिए अब हम इसको मार्कर को इस सिलाई पे ले लेंगे अब देखिए हम इन दस फंदों पे जाली डालेंगे तो बुल हमारी इधर ही रहेगी और हम इनको हम सीधा बुनेंगे ऐसे एक बुल को आगे करेंगे दो तीन चार पांच सात, आठ नौ दस ये देखिए दस फंदों पे मैंने जाली डाल ली अब हम बूल को अपने तरफ करेंगे मार्कर को इस पे ले लेंगे और यहाँ से अब हम ये बाईस फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बनाते हुए जाएंगे तो हम यहाँ पे ये रो कंप्लीट करेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए हम सीधी रो पे हैं तो यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे पहले बाईस फंदे हम उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये देखिए बाईस फंदे मैंने बुन लिए अब देखिए हम ये वाले फंदे जो जाली से मैंने बढ़ाए हुए हैं इन फंदों को हम सीधा पुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और देखिए बीस ये बीस फंदे मैंने सीधे बुन लिए अब इधर के फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे ऐसे ये बाईस फंदे उल्टे बना लेती हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने ये सभी फंदे बना लिए हैं और देखिए यहाँ पे चार रो ये बन के येलो की कंप्लीट हो गई अब पलट लेंगे अब देखिए हम यहाँ पे ग्रीन से बुनेंगे तो देखिए इस तरह से एक दो ये उल्टे तरफ से हम यहाँ पे कलर ऐड कर रहे हैं ऐसे अब देखिए इस ग्रीन कलर की हम छह रो बनाएंगे इधर से भी उल्टी और सीधे तरफ से भी उल्टा तो हम छह रो यहाँ पे बनाने के बाद आपको दिखाएंगे ये देखिए यहाँ पे रो बना के मैंने कंप्लीट कर ली है एक दो तीन और तीन इधर से तीन इधर से छह रो बनाई है अब देखिए हम फिर से डिजाइन डालेंगे येलो कलर से तो उल्टे तरफ से हम फिर से येलो कलर ऐड करेंगे इसमें ऐसे उल्टी रो पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए मेरे पास टोटल चौसठ फंदे हैं जिसमें से हम पच्चीस फंदे इधर रख रहे हैं पच्चीस फंदे इधर रख रहे हैं और चौदह फंदे पे हम जाली डालेंगे तो पहले हम पच्चीस फंदे बुन लेते हैं एक उतार के बुल अपने तरफ करेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यहाँ से हम पच्चीस फंदे बुन लेते हैं पच्चीस फंदे बुन लिए मैंने अब हम इस मार्कर को इधर करेंगे अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये देखिए चौदह फंदे पे मैंने जाली डाल ली अब हम इसको इधर कर लेंगे बोल को अपने तरफ कर लेंगे और इधर के हम पच्चीस फंदे पूरे उल्टे बुनेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बुन के यहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए पच्चीस फंदे हम उल्टे बुनेंगे और ये यहाँ पे जो बड़े हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे इधर के फिर से उल्टे बुनेंगे तो पहले हम यहाँ से एक फंदा उतार के बुल अपने तरफ करके ये पच्चीस फंदे बुन लेते हैं उल्टे यहाँ पे पच्चीस फंदे उल्टे बुन लिए अब देखिए यहाँ पे जाली वाले फंदे हैं तो इनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे इधर से सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे अगले पच्चीस फंदे तक ऐसे ये देखिए ये मैंने फंदे बुन लिए अब देखिए इस मार्कर के बाद के फंदे जो पच्चीस हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे इधर के पच्चीस फंदे बुनने के बाद हम इसे पलट लेंगे अब देखिए यहाँ से हम ये ग्रीन कलर ऐड करेंगे फिर से और फिर से यहाँ पे रो बना के कंप्लीट करेंगे ऐसे ये देखिए जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाई एक दो तीन तीन गांज सीधे तरफ आ जाएंगे ये देखिए यहाँ पे मैंने रो बना के कंप्लीट कर ली है तीन इधर से उल्टी तीन उधर से उल्टी तो ये देखिए छह रो कंप्लीट हो गए हम पलट लेंगे अब इसे अब देखिए यहाँ से हम फिर से येलो कलर ऐड करेंगे और पूरी रो उल्टा इसी कलर से बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक ऐसे तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए यहाँ पे उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए टोटल मेरे पास अड़सठ फंदे है और देखिए तीस फंदे हम यहाँ पे रख रहे हैं तीस यहाँ पे और सेंटर के जो फंदे हैं उनमें हम जाली डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दोनि अठारह अठारह फंदों पे मैं जाली डालूंगी और देखिए इधर के तीस फंदे पहले हम उल्टे बुनेंगे तो भूल को अपने तरफ करेंगे यहां से हम तीस फंदे बना लेते हैं ये यह देखिए यहाँ पे तीस फंदे उल्टे बुन लिए अब देखिए यहाँ पे हम जाली डालेंगे फिर से तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ये देखिए अठारह फंदे बना लिए मार्कर को हम इधर ले लेंगे और इधर के तीस फंदे हम उल्टे बना लेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे और यहाँ तक हम बना लेंगे इधर के फंदे उल्टे फिर तो दिखाते हैं। ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली और यहाँ से ये तीस फंदे मैंने उल्टे बुन लिए जो जाली वाले फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे जैसे हम अभी इनमें बुनते आ रहे हैं इस तरह से ये सभी फंदे हम सीधे बुन के लास्ट के फंदे जो तीस हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे ऐसे देखिए सेंटर के फंदे ये देखिए लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे जहां तक मैंने ये जाली डाली है ये देखिए यहां तक अब देखिए इधर के हम तीस फंदे उल्टे बनाएंगे तो हम बना लेते इन तीस फंदों को उल्टा बना लिया अब हम पलट लेंगे अब देखिए हम फिर से ये ग्रीन कलर लगा लेंगे यहां से ऐसे एक दो तीन चार पांच छ पूरी रो हम ग्रीन से बुनेंगे और देखिए अभी तक हम ये रो बनाते आ रहे थे अब हम यहाँ पे चार रो बना के कम्प्लीट करेंगे दोनों तरफ की तो एक और दो इस तरह की दो गांठ स्टिच यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो रो बना ली हैं यानी कि दोनों तरफ की चार रो अब देखिए मेरे पास छियानबे फंदे हैं तो हम फंदे आधे आधे करेंगे सैंतालीस फंदे इस पे लेंगे इस सैंतालीस इस पे लेंगे तो आधे आधे कर लिए हमने एक साइड इसमें अंगूठा बनेगा एक साइड उंगलियां बनेंगी तरीका सेम है और फंदे आधे आधे करके अब हम यहाँ पे देखिए इन्हीं फंदों को सिर्फ बुनेंगे ये यह देखिए यहाँ पे दो रो बन के उसके बाद अब हम अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग बुनेंगे ये इधर के सैतालीस फंदे हम अलग बुनेंगे इधर के अलग बुनेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे ही सात रो बना के कंप्लीट करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे सात गांठ स्टिच आ जाएंगे ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया है दो रो यहाँ पे छोड़ देंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ रो बना ली हैं सातवीं रो पे हूं मैं तो अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे ऐसे दो का एक करते हुए इनको बंद करेंगे और बहुत ज्यादा ना तो खींच के इसको बंद करना है ना ही आपको लूज करना है मीडियम करना है ये देखिए ऐसे सभी फंदे हम ऐसे ही बंद कर लेंगे तो हम कर लेते हैं ये देखिए इसी तरीके से मैंने इधर का भी बना लिया दोनों तरफ का सेम तरीके से बनाया सेम रो बनाई है आप देखिए हम इसे सिलेंगे तो सिलने के लिए देखिए सीधा तरफ जो है उसको हम अंदर के साइड ऐसे कर लेंगे और देखिए यहां से हम सिलना स्टार्ट करेंगे एडी तक और एडी से लेके यहां तक इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे जोड़ना है तो जितना ये नाप लेंगे आप जितना आपका ये आ रहा है उतना ही आप यहाँ पे ऐसे छोड़ेंगे तो हम यहाँ से इसको ये देखिए मैंने इसी धागे में ये सुई डाल ली है आप चाहें तो अलग से ले सकते हैं इसको मिलाते हुए सिलेंगे ऐसे देखिए जो जैसी रो है उसको हम वैसे ही मिला देंगे ग्रीन है तो ग्रीन और देखिए यहाँ से लेके ऐसे इस तरह से आप देखिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक इतना छोड़ के देखिए ऐसे इसको नापेंगे ऐसे इतना छोड़ के ऐसे नाप लेंगे इस तरह ऐसे पकड़ लेंगे और यहां पे ये मिलाते हुए यहां तक सिलते आएंगे ये डी से लेके तो हम पहले इतना सिल लेते हैं ये देखिए यहां से लेके यहां तक मैंने सिल लिया आप देखिए इन दोनों को हम ऐसे कर देंगे देखिए अब इसका हम इधर से लेंगे इसका इधर से लेंगे ये देखिए दोनों को हम अलग अलग साइड ऐसे ही सिल देंगे ये देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ का ये सिल लिया यहां पे हम इसे पक्का करके और कट कर देंगे धागे को या फिर इस धागे को आप इधर भी ला सकते हैं अब इधर से हम इस साइड का ऐसे और देखिए सेम